दोस्तों, उगते हुए सूरज की भूमि कहे जाने वाला जापान देश हमेशा से ही सभी चीजों में आगे रहा है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर किसी और चीज की बात हो। जापान ने हर सभी चीजों में बाजी मार रखी है। जापान में जाने वाले लोग इस देश की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो फ्यूचर की दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जापान की कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी से भरी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो वो पिछले 50 सालों से यूज कर रहे हैं। सिस्टम। जापान बहुत ही छोटा देश है और वहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था करना एक बहुत ही बड़ा काम था और परेशानी भी थी, तो इसीलिए जापान के इंजीनियर्स ने एक नए तरीके का पार्किंग सिस्टम बना डाला जिसमें एक जगह पर हजारों कार पार्क किया जा सकता है। इसमें एक दूसरे के नीचे लिफ्ट के जरिए कार पार्क कर दिया जाता है और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये चीज वो 1965 से यूज कर रहे हैं। नंबर 2, बुलेट ट्रेन। जापान के बुलेट ट्रेन के बारे में कोई नहीं जानता जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ट्रेन सेफ्टी के साथ साथ आपका टाइम भी बचाता है। जापान के पास 6 टाइप के बुलेट ट्रेन मौजूद है। दुनिया में सबसे पहले जापान में ये बुलेट ट्रेन लॉन्च हुआ था और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये लोग 50 साल से बुलेट ट्रेन को यूज कर रहे हैं। नंबर 3, रोबोट्स। दोस्तों, रोबोट्स की बात हो तो चीन और जापान का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। जापान में लोगों को रोबोट से बहुत ही ज्यादा लगाव है, शायद इसीलिए यहाँ के होटलों में भी रोबोट्स काम करते हुए नजर आते हैं। टेक्नोलॉजी से लेस है और बहुत ही ज्यादा एडवांस है। वहाँ के आम घरों में आपको बहुत ही अच्छा टॉयलेट देखने को मिल जाएगा जिनमें हीटेड सीट होती है और टैंक के ऊपर सिंक। लेकिन इन सभी से ज्यादा एडवांस टॉयलेट आपको उनके होटलों में मिल जाएगा जिनमें कई तरह के बटन हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक परफ्यूम सिस्टम, हीटेड सीट को अप डाउन करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको उन टॉयलेट में मिल जाएंगी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग करीब 20 सालों से इसे यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सी चीजें और हैं जो जापान यूज कर रहा है। उस जापान की एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं, जापान के जो किसान होते हैं वो हाईवे पर एक दुकान खोलते हैं जहां वो फल और सब्जियां रखते हैं, और जानते हो उन दुकानों पर कोई भी दुकानदार नहीं रहता है। वहां जो उस हाईवे से गुजरता है वो जो लेना चाहता है उस दुकान से वो ले सकता है और अपनी पूरी ईमानदारी से वो अपना पेमेंट भी वही रख देता है। इससे जापान दो चीजों को साबित करना चाहता है, फर्स्ट ईमानदारी और सेकेंड चीज फूड वेस्टिंग नहीं होती है। दोस्तों, ये आइडिया बहुत ही कमाल का है ना, क्या लगता है? दोस्तों, ये आइडिया अगर हमारे देश में हो तो क्या होगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी देश या फिर जापान से जुड़े और कुछ चीजों के बारे में जानना है तो कमेंट में वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो और बना दूंगा। तो चलो यार, अब बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सबसे जरूरी चीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।